दोस्तों आज मैं आपके सामने 160 सीसी सेगमेंट का दो बहुत ही पॉपुलर बाइक बजाज पल्सर एनएस 160 एंड टीवीएस अपाचे आरटीआर 162 वी का डिटेल कंपैरिजन लाया हूं। इन दो बाइक में से कौन सा बाइक आपके लिए परफेक्ट एंड बजट फ्रेंडली है ये सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में दोनों बाइक का 10 पॉइंट्स लेकर बात करूंगा और आखिर में मेरे ओपिनियन के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा बाइक मुझे अच्छा लगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमित। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। आप मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तो आप ज्वाइन बटन को दबाकर इस चैनल का एक वैल्यूएबल मेंबर भी बन सकते हैं। कंपटीशन का पहला पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। बजाज पल्सर एनएस 160 BS6 में फ्यूल इंजेक्टेड 160.3 सीसी 4 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI ऑयल कूल्ड SOEC इंजन दिया गया है जो 9000 RPM में मैक्सिमम 12.7 किलोवाट और 17.2 PS पावर एंड 7250 RPM में 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स का यूज किया गया है। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो इस बाइक का माइलेज ऑन एन एवरेज 50 kmpl है। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V में 159.7 सीसी एयर कूल्ड 2 वाल्व फुल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा जो 8400 आरपीएम में मैक्सिमम 15.3 bhp पावर एंड 7000 आरपीएम में मैक्सिमम 13.9 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स का यूज किया गया है और दोस्तों इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। माइलेज की बात करें तो लगभग 50 kmpl माइलेज इस बाइक में भी आपको मिलेगा। इस पॉइंट पे देखें तो दोस्तों बजाज पल्सर एनएस 160 BS6 वेरिएंट का पावर एंड टॉर्क टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 BS6 वेरिएंट से ज्यादा है और बजाज पल्सर एनएस 160 में ऑयल कूल्ड इंजन एंड किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। वही टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी सिस्टम मिलेगा जो पल्सर एनएस 160 में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बजाज पल्सर एनएस 160 का इंजन ज्यादा अच्छा लगता है। कंपैरिजन का दूसरा पॉइंट है ब्रेकिंग सिस्टम। बजाज पल्सर एनएस 160 का फ्रंट व्हील में ट्विन पिस्टन कैलिपर 260 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक दिया गया है। आप यहां फ्रंट व्हील पे ये ABS सेंसर और यहां पे ABS सेंसर प्लेट को देख पाएंगे। रियर व्हील ब्रेक की बात करें तो इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 230 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा। रियर व्हील में आप यहां पे एक स्पीड सेंसर प्लेट देख पाएंगे। ये बिल्कुल ABS सेंसर प्लेट की तरह ही दिखता है। ये सेंसर प्लेट RLP यानी रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। वही दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V का फ्रंट व्हील में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर 270 मिलीमीटर रोटोपेडल डिस्क ब्रेक एंड रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 200 मिलीमीटर रोटोपेडल डिस्क ब्रेक मिलेगा। ये बाइक भी सिंगल चैनल ABS के साथ आता है और इसीलिए सिर्फ फ्रंट व्हील में ही ABS सेंसर मिलेगा। इस बाइक का रियर व्हील में किसी प्रकार का सेंसर का यूज नहीं हुआ है। इस पॉइंट पे मुझे बजाज पल्सर एनएस 160 का ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि बजाज पल्सर एनएस 160 में RLP सेंसर है जो इस बाइक का सेफ्टी और भी बढ़ा देता है। कंपैरिजन का तीसरा पॉइंट है फ्रेम एंड सस्पेंशन। बजाज पल्सर एनएस 160 में स्टील पेरीमीटर फ्रेम का यूज किया गया है और इस बाइक का रियर में बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट में एंटी फ्रिक्शन बूस्ट वाला 35 मिलीमीटर डायमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और इस बाइक का रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस चार्ज्ड मोनो सस्पेंशन दिया गया है। वही दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में ड्यूअल क्रेडल फ्रेम का यूज किया गया है। बॉक्स टाइप स्विंग आर्म इस बाइक में भी यहां पे आपको मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट में 33 मिलीमीटर डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में गैस चार्ज्ड 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन मिलेगा। इस पॉइंट पे देखें तो बजाज पल्सर एनएस 160 का फ्रेम एंड सस्पेंशन टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 से बेटर है और मोनो सस्पेंशन के वजह से बजाज पल्सर एनएस 160 का कंफर्टनेस एंड बैलेंस भी बढ़िया है। कंपैरिजन का चौथा पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट, व्हील बेस एंड कार्बोइड। बजाज पल्सर एनएस 160 का ग्राउंड क्लियरेंस है 177 मिलीमीटर। इस बाइक का सीट हाइट है 800 मिलीमीटर, व्हील बेस है 1372 मिलीमीटर एंड कर्व वेट है 145 kg। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर, सीट हाइट है 790 मिलीमीटर, व्हील बेस है 1300 मिलीमीटर एंड कर्व वेट है 137 kg।
इस पॉइंट पे देखे तो बजाज पल्सर एनएस 160 का ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट, व्हील बेस एंड कार्बोइड टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 से ज्यादा है। कंपटीशन का पांचवा पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बजाज पल्सर एनएस 160 में येलो बैकलीट वाला एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। मिडिल में एनालॉग में आरपीएम मीटर एंड डिजिटल में फ्यूल स्टेटस एंड एबीएस इंडिकेटर मिलेगा। और इसका लेफ्ट साइड में बजाज का लोगो, टेम्परेचर इंडिकेटर, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर एंड हाई बीम इंडिकेटर मिलेगा। राइट साइड में आरपीएम लिमिटर इंडिकेटर और डिजिटल में टाइम, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर दिया गया है। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में व्हाइट बैकलिट वाला एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। लेफ्ट साइड में एनालॉग में आरपीएम मीटर एंड राइट साइड में डिजिटल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर एंड टाइम मिलेगा। इसके साथ साथ एबीएस इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर, बैटरी हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर भी मिल जाएगा। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों दोनों बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगभग सेम है, लेकिन मुझे बजाज पल्सर एनएस 160 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज्यादा अच्छा लगता है। कंपटीशन का सिक्स्थ पॉइंट है लुक्स। बजाज पल्सर एनएस 160 में नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक्स मिलेगा। इस बाइक में 12 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक के ऊपर में यहाँ पे 3D पल्सर ब्रांडिंग किया गया है जो क्रोम कलर का है। टैंक के ऊपर यहाँ पे एक डिफॉल्ट टैंक पैड भी दिया गया है। टैंक के साइड में ब्लैक कलर का काउल मिल जाएगा और इस काउल में 160 ब्रांडिंग किया गया है। इस बाइक का साइड में ग्रिल टाइप पैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रियर साइड काउल में स्टिकर से एनएस 160 ब्रांडिंग किया गया है। और दोस्तों इस बाइक का बेली काउल भी बॉडी कलर जैसा ही है। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V में सिंपल लुक्स मिलेगा। इस बाइक में भी 12 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक का दोनों साइड में टीवीएस का 3D हॉर्स लोगो मिलेगा जो ब्लैक कलर का है। साइड पैनल में अपाचे ब्रांडिंग किया गया है और कार्बन फाइबर फिनिश भी यहाँ पे मिल जाएगा। रियर साइड काउल में आरटीआर 160 लिखा गया है और इंडिया का फ्लैग भी दिया गया है। बेली काउल में टीवीएस रेसिंग ब्रांडिंग एंड आरटीएफआई बैजिंग भी मिलेगा। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों बजाज पल्सर एनएस 160 का लुक्स ज्यादा अट्रैक्टिव है। कंपटीशन का सातवां पॉइंट है इलेक्ट्रिकल। बजाज पल्सर एनएस 160 में दो पार्किंग लाइट के साथ डीसी ऑपरेटेड 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब वाला हेडलाइट दिया गया है। इस बाइक में क्लियर लेंस वाला फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। टेल लाइट की तरफ देखे तो दोस्तों इस बाइक में ट्विन LED टेल लाइट मिलेगा। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में दो LED DRL के साथ 35x35 वाट हैलोजन बल्ब वाला हेडलाइट मिलेगा। आप इस बाइक में क्लियर लेंस वाला इंडिकेटर्स यहां पे देख सकते हैं। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में 0.5 वाट ट्विन ट्रायंगल LED टेल लाइट मिलेगा। दोस्तों दोनों बाइक का स्विच कंसोल भी लगभग सेम है। लेफ्ट साइड में पास बीम, हाई लो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच मिलेगा और राइट साइड में इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच दिया गया है। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों दोनों बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगभग सेम है, लेकिन मुझे टीवीएस अपाचे आरटीआर का हेडलाइट सेटअप ज्यादा अच्छा लगता है। कंपटीशन का आठवां पॉइंट है व्हील्स एंड टायर्स। बजाज पल्सर एनएस 160 का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का एंड रियर व्हील में 120x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और इस बाइक का रिम 17 इंच डायमीटर वाला है। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का एंड रियर व्हील में 110x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। इस बाइक का रिम भी 17 इंच डायमीटर वाला है। इस पॉइंट पे देखे तो दोनों बाइक का व्हील्स एंड टायर्स लगभग सेम है। कंपटीशन का नाइन्थ पॉइंट है सीट। बजाज पल्सर एनएस 160 में स्प्लिट सीट दिया जाता है और रियर में दो मेटल ग्रैब बार भी यहाँ पे मिलेगा। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में स्टेप टाइप सिंगल सीट मिलता है और दो स्प्लिट ग्रैब बार इस बाइक में भी आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पे देखे तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का सीट फैमिली पर्पस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। कंपटीशन का दसवां एंड आखिरी पॉइंट है प्राइस। बजाज पल्सर एनएस 160 BS6 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 1,08,340 रुपीस और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 ड्यूअल डिस्क BS6 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 95,500 रुपीस। मतलब दोस्तों बजाज पल्सर एनएस 160 का प्राइस टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 से ज्यादा है।
और मेरा पर्सनल ओपिनियन बजाज पल्सर NS 160 की तरफ ही जाता है, क्योंकि इस बाइक का लुक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये था इन दो बाइक का डिटेल कंपैरिजन। आपको कौन सा बाइक अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।